सोमवार को भीमताल झील में एक शव उतरता हुआ दिखा। नाव चालकों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को झील से बाहर निकाला। शव को सीएससी के मोर्चरी में रखवा दिया गया है। आज मंगलवार को शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा। मृतक की पहचान बीती 4 मार्च से लापता एक होटल कर्मी के रूप में हुई है। पता चला है कि उसके गायब होने के दौरान एक दिन पहले ही यानी 10 मार्च को उसके पिता का भी हार्ट अटैक आने से निधन हो गया। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक की शिनाख्त 38 वर्षीय घनश्याम पुत्र स्वर्गीय मोहन राम निवासी रायखाल जिला बागेश्वर के रूप में हुई है। वो भीमताल के एक होटल में कुक का काम करता था और 4 मार्च से यानी पिछले 7 दिनों से होटल से लापता था। जानकारी के अनुसार घनश्याम के 2 बेटे और 1 बेटी यानी 3 बच्चे हैं और वो नोएडा में पढ़ाई करते हैं। घनश्याम 4 मार्च को बिना कुछ बताए कहीं चले गए थे। कई जगह ढूंढने पर भी उनकी जानकारी नहीं मिल पाई तो भीमताल थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई गई। इस बीच मृतक के 75 वर्षीय पिता मोहन राम का एक दिन पूर्व 10 मार्च रविवार को हार्ट अटैक आने से निधन हो गया।